भारत की शान। हर गांव स्वच्छ है, हर घर जल है, पानी हर नल से आता है। इस खुली हवा में उड़ने को मन सा है, इन पहाड़ों में कुछ अजीब सुकून सा है। मैं खुद में खोसी गई हूँ, न जाने मेरे देश की फिजा में एक जादू सा है। जल जीवन मिशन, क्या खूबसूरत सोच है इसके पीछे। जल जो जीवन है, उसके लिए भी मेरे देशवासी संघर्ष कर रहे थे। और फिर एक सुबह हुई, सूर्य निकला और जल जीवन मिशन सबकी जिंदगियों को रोशन करने लगा। मैंने सच में नहीं सोचा था कि तब से हर घर जल पहुंचाने का ये कार्य लोगों के संघर्ष का उत्तर दे सकता है। हिमाचल के बाल्ट गाँव में हर घर नल से जल की वजह से जिंदगी झूमती देखी मैंने। आज फिर किसी दूसरे गांव की बदलती तस्वीर को देखने निकल पड़ी हूं मैं। मेरा ये सफर दिन ब दिन ना जाने क्यों मेरे मन की प्रसन्नता को बढ़ा रहा है। और जैसे जैसे मैं अपने देश के गांव-गांव जा रही हूं, जल जीवन मिशन मुझे नए नए आयाम दिखा रहा है। बहुत सुंदर धुने, बहुत अच्छे से बजाया आपने। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आपने सुना कितनी सुकून देने वाली धुन थी कि मुझसे रहा ही नहीं गया, बस मुझे इसे सुनना ही था। वैसे आपको मैं एक बात बताऊं, इन पहाड़ों में जो हवाएं हैं, कल्चर है, खूबसूरती है, वो आत्मा को एक अलग ही सुकून देता है दोस्तों। और सबसे ज्यादा कमाल की बात जो मुझे महसूस हो रही है वो ये है कि जब सालों पहले जल और स्वच्छता एक प्राथमिकता नहीं थी, लेकिन आज वही चीज जन आंदोलन बन गई है। इट इज अमेजिंग, मुझे जो महसूस हो रहा है, मुझे हमारे देश की एक अलग ही तस्वीर देखने मिल रही है। पहाड़ों की ये सभ्यता भी निराली है, फूलों से स्वागत करते हैं अपने मेहमान का। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर, और आप सब मिलकर जो ये मेहमान नवाजी करते हैं और ये स्वागत तो इतने प्यार से करते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
हर घर जल की कहानी की हसरत के कारण मैं अपने इस अनूठे सफर पर हूँ, जहाँ मेरा इस तरह से स्वागत हो रहा है। इससे एक बात तो साबित हो गई कि जल जीवन मिशन न सिर्फ ग्रामीण लोगों के जीवन को नई दिशा दे रहा है, बल्कि मेरे जैसे लोगों के जीवन को भी बड़े प्यार से छू रहा है। तो मैम कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत खूबसूरत है, इनका फंक्शन भी बहुत सुंदर था। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम बनीता ठाकुर है जी। और ये मेरा गांव है, तो ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है। यहाँ पे जल और स्वच्छता के ऊपर बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट की गई है, मतलब बहुत हुई है। दीदी आप ये घर देख रही है? हाँ, ये जो हम थे। हाँ, यहाँ के जो लोग है ना, पता है वो वहाँ से पानी लाते थे भर के। वहाँ से? इतनी दूर से? हाँ जी। विनीता से बातचीत करते हुए मुझे ये पता चला कि कुछ साल पहले कोटलू गांव में भी औरतों को मीलों दूर से पानी लाना होता था, लेकिन नल से जल के आगमन के बाद अब हर घर नल से जल है। विनीता अपने गांव में हुई इस जबरदस्त तब्दीली से बड़ी खुश नजर आ रही है। जल जीवन मिशन ने इन बच्चियों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है। पहले जो स्प्राई थी जल जीवन मिशन से पहले जो यहां था सिस्टम, वो उसमें छोटी छोटी डाई की पाइपे थी, तो लोगों को दिक्कत भी होती थी और पानी भी इतना नहीं था होता था उनमें। अब जब बड़ी पाइपलाइनें बिछाई, बड़े डाई बढ़ा दिए पाइपलाइनों के, तो बातचीत के दौरान मुझे जल जीवन मिशन के अधिकारी ने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत वाटर पाइप्स का डायमीटर बढ़ाकर पानी के फ्लो को बढ़ाया गया है। कोटलू गांव में पानी के स्टोरेज के लिए एक बड़ा अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया गया है, जहां से गांव के घरों में मोटर पाइप्स के माध्यम से पानी पहुंचाया जाता है। और इस वाटर पंप की देखरेख के लिए एक्सपर्ट कर्मचारी हर समय तैनात रहते हैं। इस पेयजल योजना का पानी का सोर्स एक नलकूप है, वहाँ से पानी लिफ्ट होकर मेन स्टोरेज टैंक में आता है और मेन स्टोरेज टैंक से फिर इस टैंक में आता है। यहाँ से कोटलू गांव को सप्लाई दी जाती है और इसके साथ ही इसके एक और टैंक बना हुआ है इन्हीं गांव के लिए, जो कोटलू के सब विलेज हैं उनके लिए भी वहीं से इसी से पानी दिया जाता है। जल जीवन मिशन जहां एक तरफ इंश्योर कर रहा है कि हर घर नल से जल पहुंचाना है, वहीं पर आम जनमानस को पानी को बचाने के लिए भी प्रेरित कर रहा है। गांव की दीवारों पर पानी बचाने के लिए आह्वान करते हुए वॉल पेंटिंग्स की गई है। स्कूलों में बच्चों को वाटर कंजर्वेशन के लिए स्पीचेस और अनेक तरीकों से इंस्पायर किया जा रहा है, ताकि उनमें पानी के प्रति सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आए। ये हमारे लीडर बच्चे हैं, तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हर फ्राइडे को बच्चों के साथ मैं खुद मीटिंग लेता हूँ और जो बच्चों की डिमांड्स हैं, इनकी सजेशंस हैं, स्वीकार करते हैं और पाठशाला को मिलके चलाते हैं। वो तो दिख ही रहा था, जैसे कि मैंने देखा कि ये जो जितने भी आपने होर्डिंग्स लगाए हैं और ये स्वच्छता के बारे में, जल के बारे में जो सिखाया, जो समझाया। पानी है कितना अनमोल, समझो तुम इसका मोल, ये देता हमें जीवन दान, चाकर इसे बनो महान, जल ही जीवन जल ही जान, बिना जल के दुनिया शमशान, पानी एक अनमोल रतन, मिलकर बचाओ इसे सब जन। अरे वाह, धन्यवाद। ताली। धुएं चूल्हे से जिसने छुड़ाया नाता, जोड़ा है सेहत और सम्मान से, मैं उनका परिवार हूं। झंझटों और तकलीफों से जिसने मुक्त किया, 10 करोड़ से अधिक बहनों को उज्जवल किया, मैं उनका परिवार हूं। युद्ध में भी जो नहीं झुका,
जब बढ़ी विश्व में 300% महंगाई, तो बहनों की ढाल बन खड़ा रहा। मैं उनका परिवार हूँ। सालों में जिसने काया पलट दी देश की, 300 रुपए की सब्सिडी देकर मेरा बोझ संभालता है, मैं उनका परिवार हूँ। बस 503 रुपए में आया है आज मेरा उज्ज्वला सिलेंडर, क्योंकि हम मोदी का परिवार है। मेरा भारत मेरा परिवार। जहाँ पानी की उपलब्धता गांव वालों का अधिकार है, वहीं पानी को बचाना उनका कर्तव्य भी है। और जल जीवन मिशन आम जनमानस को इसके प्रति उनकी चेतना को जगा रहा है। मेरा नाम लीला शर्मा है, मैं प्रधान महिला मंडल की प्रधान हूँ। मैं कोटलू गांव की निवासी हूँ। जब से कोटलू गांव में हमारे स्वच्छता अभियान और जल कार्यक्रम, तब से हमारे गांव में बहुत तरक्की हुई। गर्मियों के दिनों में तो खासकर 1.5-2 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता था, अब इतना हो गया है कि जब से जल शक्ति विभाग ने हमें पानी दिया है तो घर घर में नलके आ रहे हैं। जल जीवन मिशन ने सच में गांव की औरतों की जिंदगियों पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डाला है। पहले जो समय गांव की औरतों का घर के लिए पानी लाने में जाता था, आज वही समय वो अपने दूसरे कार्यों में लगाती हैं, क्योंकि अब हर घर नल से जल है। गांव की प्रधान ने मुझे बताया कि वो अक्सर गांव की औरतों के साथ पुराने पानी के स्रोत पर जाती है, जहां मीलों पैदल चलकर पहाड़ी पगडंडियों से होते हुए कुछ सालों पहले तक उन्हें अपने घर के लिए पानी लाना होता था। देखो कितनी घाटी वाला रास्ता है, इतनी दूरी से हम चला नहीं जा रहा है, पानी ले जाते थे। ये वो कुआं है जहाँ से हम पानी लेके जाते थे, पहले 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था हमें। बहुत दूर से आते हैं लोग और कोटलू के सारे इर्द गिर्द जो भी है वो सब यहाँ से लेके जाते थे पानी, और ये पानी साफ सुथरा होता है उस टाइम। अब सरकार ने नलके घर घर में लगाए जल जीवन मिशन के द्वारा, तो सबको पानी स्वच्छ मिल रहा है और बच्चों के लिए भी समय मिल रहा है। हमें भी बच्चों को पढ़ाने के लिए टाइम मिलता है अब। पहले इतना टाइम ही नहीं मिलता था। तो महिलाएं आज अपने गुजरे वक्त के संघर्ष को याद करते हुए आज के बदले समय को सेलिब्रेट करती हैं। प्रधान का कहना है कि इस तरह वो गुजरे समय के संघर्ष और आज की सुविधा की तुलना करके औरतों के भीतर जल संरक्षण के प्रति चेतना जगाने की कोशिश करती हैं। हमें घर में जो पानी मिल रहा है तो कितने फायदे हैं, नहीं तो अच्छा। ऐसा पानी पीना पड़ता था, इतने दूर आना पड़ता था हमें। चलो टाइम चलो चलो, चलो तो आज इनके चेहरे पर ये खुशी देखते ही बनती है। नाचती गाती ये औरतें अपनी खुशी व्यक्त करके जैसे जल जीवन मिशन का धन्यवाद कर रही हैं। गांव की औरतों ने महिला मंडल के माध्यम से रोजगार के अल्टरनेट तरीके खोज लिए हैं, और वो अपने समय का सही सदुपयोग करना भी सीख गई हैं। इन सब बदलाव के लिए जल जीवन मिशन का बहुत बहुत धन्यवाद। तो रजनी जी, मुझे विनीता बता रही थी कि आप सब बहुत स्पेशल काम करती हैं, सारी महिलाएं मिलकर काम करती हैं। क्या क्या आप कोई संस्था भी चलाती हैं बता रही थी जी? हम एक NRLM संस्था से जुड़ी हैं, सभी महिलाएं। अच्छा। हाँ, कोटलू गांव की, और जैसे हर एक गांव की जुड़ी होती है वैसे हमारा गांव है, खूबसूरत सा गांव, आपको पता है, आपने तो घूमा। बहुत खूबसूरत है, और आज ठंड भी है, और हमने अच्छा अच्छा खाना भी खाया और सबसे मिली, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, और NRLM के तहत जो हमारी एक स्कीम आई हुई है, जैसे हमारा महिलाओं का एक समूह बना होता है, जैसे हम अपने काम काज कम्प्लीट कर लेते हैं पूरे, उस टाइम हम फिर अपना एक रोजगार चलाने के लिए जैसे अचार बड़ी सेम
सेमिया वगैरह बनाते हैं, फिर जैसे मशरूम वगैरह ठीक है हाँ वो बनाते हैं हम, जैसे सरकारी संस्था से हमें या पर ट्रेनिंग दी जाती है बीच बीच में, हम इकट्ठे मिलकर काम करती हैं, उसकी पैकिंग करती है, जैसे मार्केट के नजदीक वहाँ पे हम अपना छोटा सा स्टॉल लाते हैं कोटलू गाँव की तरफ से। अच्छा, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट्स होता है, हाथ से बनी हुई चीजें होती हैं, तो महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो गई और एक तरीके से महिला सशक्तिकरण का उदाहरण भी हो गया कि महिलाओं को इतना बढ़ावा भी मिलता है घर बैठकर, और क्या करें, इससे अच्छा है अपना भी योगदान दे दे परिवार में और एक आय का साधन मिल गया है महिलाओं को, बहुत ज्यादा खुश होती है, बहुत इंडिपेंडेंट हो गई है और महिलाएं और जैसे मिलकर बैठती हैं हम तो बातें भी होती है और आपस में गाना बजाना भी होता है और हमारे लिए एक रोजगार भी होता है। और फिर ऐसे तो महिलाएं बहुत कम इकट्ठी हो पाती थी। कंचना जी, आप तो यहाँ की प्रधान है, जल जीवन मिशन पर बहुत काम हुआ है, स्कूल में देखा हमने और गांव में भी, तो लोगों ने आपका हमेशा साथ दिया या आपको उनको थोड़ा सा साथ दिया? लोगों ने अच्छा। भी साथ दिया और जो आईपीएच विभाग है उन्होंने भी काफी साथ दिया, जैसे मैंने उनको कॉल किया, जैसे कहीं पानी की प्रॉब्लम होती कोटलू में कभी भी तो कॉल किया, वो सुनते थे और उस पर एक्शन लेते जल्दी। तो मोहनलाल जी, पहले यहाँ आप प्रधान हुआ करते थे और मैंने सुना है कि सरकार की जो जितनी भी योजनाएं हैं उनका काफी लाभ उठाया गया है। गांव के पूर्व प्रधान ने बताया कि किस तरह जल जीवन मिशन ने कोटलू गांव में बदलाव की शुरुआत की और घर घर शुद्ध पेयजल पहुंचाया। पीने के पानी की आज प्रॉपर टेस्टिंग की जाती है कि जो पानी घरों में स्कूलों में सप्लाई हो रहा है ताकि उसकी गुणवत्ता को मेंटेन रखा जा सके और सबको शुद्ध पेयजल उपलब्ध होता रहे। जल जीवन मिशन के कार्यकर्ता आम जनमानस को पानी को टेस्ट करने की प्रोसेस से भी अवगत करवाते रहते हैं। यहाँ पे बच्चों को ताकि अच्छा पानी मिले, वैसे तो हम शुद्ध पानी देते ही हैं, फिर भी मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी। ये फ्लोराइड टेस्ट किया मैंने, तो इसकी रेंज भी देखिए आपकी जीरो से मैच हो रही है, तो ये पानी पीने योग्य है। ठीक है, तो इसकी रेंज 1.5 तक है, सुरक्षित है। ठीक है। मौजूदा समय में हिमाचल प्रदेश के बग्गी इलाके में जल जीवन मिशन द्वारा एक वाटर टेस्टिंग लैब स्थापित है जहां हिमाचल के गांव में सप्लाई होने वाले पानी की रेगुलर टेस्टिंग होती है। हमारे अंडर लगभग 60 से 70 पंचायतें हैं जिनके पानी के सैंपल हमारे पास आते हैं। यहाँ पे सर ये मीटर जो है TDS मीटर है, जैसे कि हमने वीकर में 100 ml वाटर लिया हुआ है और हमने कंडक्टिविटी मीटर की जो है मोड को TDS पे सेट किया हुआ है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसका जो TDS है 175.2 के आ रहा है। ये लैमिनार एयर फ्लो है, इसमें हम बैक्टीरिया के सैंपल टेस्ट करते हैं जिसमें कि हमारा टोटल कॉलिफॉर्म और इकोलाई होता है, और ये जो है ये ऑटोक्लेव है जिसमें हम जो बैक्टीरिया का जैसे मीडिया बनता है उसको हम स्टरलाइज करते हैं। मैं हर्ष शर्मा हूँ और मैं जल शक्ति विभाग बग्गी जो कि हिमाचल सरकार के अंतर्गत आता है यहाँ पर 1 साल से कार्यरत हूँ। मेरे डिवीजन के अंतर्गत जो 2 महत्वपूर्ण पंचायतें बाल्ट और गड़मा बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी और उसी के अंतर्गत 2 विलेज कोटलू और बाल्ट वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे क्योंकि यहाँ पानी की बहुत समस्याएँ थी, लोग यहाँ पानी की समस्या से बहुत ज़्यादा ग्रस्त थे और इसके लिए हमारे विभाग ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो है पूरे जो मेरे डिवीजन है उसके अंदर 65 करोड़ के हमने जो बजट जो है सेंक्शन कराया 33 स्कीमों के लिए, उसमें से बाल्ट और कोटलू के लिए हम लोगों ने स्कीमों को बनाया और उनकी पानी की समस्या को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। आज वहाँ हर घर में जो है पानी की पूरी व्यवस्था है और वहाँ की औरतों को घड़ों पर और बाल्टियों के सहारे जो पानी लेके आते थे उनकी समस्या को हम लोगों ने दूर किया। पिछले 2 से 3 सालों से जो है पूरा डिपार्टमेंट जो है जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो है कार्यरत है।
खो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। जहाँ जल जीवन मिशन ने कोटलू में क्रांतिकारी ढंग से कार्य किया है, वहीं स्वच्छ भारत मिशन के कारण आज ये गांव ODF प्लस की श्रेणी में आता है। मैं विनीता के साथ गांव के महिला मंडल से मिलने जा रही हूँ। नमस्कार, आइए। नमस्ते। नमस्ते। अच्छी बात है, दोनों आई आप, हम बहुत स्वागत करते हैं आपका, और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। हमें भी बहुत ज्यादा खुशी हुई, सारी महिलाओं का, सब खुश होकर के आ गई घर के काम छोड़ के कि भाई हमने मिलना है आपसे। जागो रे महिला मंडलारी बहनों, स्वच्छता अभियान चलाना। आंटी, आपने तो कमाल कर दिया, आप लोगों ने इतना और इस तरह से गाना भी गाया और अपना एक जो मैसेज भी होता है वो भी आपने पहुंचा दिया। आप शौचालय हैं जी, वो तो शौचालय पहले कहाँ, हर कहीं बाहर जाते थे, जहाँ मर्जी होनी वहाँ बैठ जाना, गंदगी फैल रही थी सब जगह, अब ऐसा है सबके घर में शौचालय बन गए हैं। यहाँ गांव कोटलू में SBM स्कीम के अंतर्गत बहुत ज्यादा काम हुए हैं, जैसे टॉयलेट बनाए गए हैं, जिसके सरकार ने बहुत ज्यादा हेल्प की है, जिसके टॉयलेट नहीं थे गवर्नमेंट ने उसके भी टॉयलेट बनाए हैं, और इससे जो है जो बाहर जाते थे पहले वो भी उनको जो है भाई टॉयलेट मिलने से वो टॉयलेट में जाने लगे हैं। टॉयलेट बनाने के बाद जो फायदे हुए हैं उनको पता लगा, जैसे गंदगी दूर हुई है हमारी बहुत ज्यादा उस वजह से, और कोटलू बाढ़ जो इस वक्त हमारा बहुत ज्यादा स्वच्छ है। हरी घर जल।
तो दोस्तों, आपने देखा कि कोटलू गांव के इस मेरे सफर में ये तो देखा होगा कि जब प्रशासन लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देता है तो ग्राउंड लेवल पर कितना कमाल का काम होता है। और आज मुझे लगता है कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया है मैंने, कि मैंने ये सोचा है कि मैं पूरे भारत में हर गांव जाकर अपने विकसित भारत को अपनी आंखों से देखूंगी। और शायद आपको भी संतुष्टि हो ही रही होगी मेरे जरिए कि वाकई भारत विकसित हो रहा है। तो इसी बात पर मुझे लगता है एक और राज्य जाया जाए। कौन सा होगा? सरसों दा साग और मक्के की रोटी वाले पंजाब चलते हैं। तो चलिए, देर किस बात की।